Hey guys, welcome to my YouTube channel Round of Wind. Today we have a great job opportunity coming from three different company: Walmart, Uber and Amazon. So in this video I will discuss all eligibility criteria, selection process and exam pattern. Please watch this video till the end. Fresher salary eligible and experienced candidate are also eligible. जो फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है वो वॉलमार्ट कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है हैकेथॉन की तरफ से। सो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ओपन है वो 31 में से ही ओपन हो गई है, जिसकी लास्ट डेट 11th ऑफ जून है। सो आप लोग 11th ऑफ जून से पहले अप्लाई कर दें, जिसके लिए 6 डेज अभी लेफ्ट है। सो मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल है एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी एलिजिबल है। सो यहाँ जो आपका आपका यहाँ पर जो राउंडेज होने वाले हैं, जो यहाँ पर लेवल होने वाले हैं, वो मैं डिस्कस कर दूँ। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या इसकी एग्जाम पैटर्न होने वाली है। सो फर्स्ट जो लेवल है वो MCQ चैलेंज है। यहाँ पे आपका फर्स्ट जो लेवल होने वाला है उसमें MCQ आपसे पूछे जाएंगे, जो टेस्ट आपका कंप्यूटर फंडामेंटल पर बेस्ड होगा। सो ये क्यूज 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 30 मिनट का होने वाला है यहाँ पे। सो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं एंड इनपुट आउटपुट जो फीचर्स है कंप्यूटर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले। सो ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आते हैं। तो यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन MCQ आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपके पास 30 मिनट होगा। वहाँ अगर आप क्लियर करते हो देन आपका जो सेकेंड लेवल है वो कोडिंग चैलेंज का है। वहाँ आपका 90 मिनट का कोडिंग होने वाला है, जिसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपका एक क्वेश्चन मैंडेटरी रहता है सॉल्व करना। एंड अगर आप वहाँ क्लियर करते हो देन आपका थर्ड राउंड होने वाला है, थर्ड लेवल वो इंटरव्यू का होने वाला है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो देन उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कैश प्राइज या फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो उसकी पैकेज जो है वो 18 लाख पर एनम होने वाली है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 18 to 21 lakh पर एनम होने वाली है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको अगर आपको इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हो, जस्ट आप दोनों लेवल क्लियर करते हो, तो टॉप 15 स्टूडेंट को कैश प्राइज जो मिलने वाली है वो 25,000 ईच स्टूडेंट मिलने वाली है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग यहाँ जरूर अप्लाई करें। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपका लिया। सो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि टॉप 100 कोडर विल गेट एन अपॉर्चुनिटी गेट इंटरव्यू। या सो टॉप 100 कोडर को इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फुल टाइम जॉब रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के लिए, वॉलमेट ग्लोबल टेक्निकल बैंगलोर और चेन्नई उसकी जॉब लोकेशन है। सो 100 स्टूडेंट को 18 लाख का पैकेज मिलने वाला है। सो बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। एंड उसमें से 100 में से जो टॉप 15 स्टूडेंट रहेंगे उनको 25,000 कैश प्राइज मिलने वाला है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर इसके लिए अप्लाई करें। एंड ऑल स्टूडेंट क्लियरिंग आवर इंटरव्यू प्रोसेस, उसको उसके साथ साथ कुछ गुडीज किट्स भी मिलने वाले हैं, जिसमें आपका कुछ लाइक वाउचर कोड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के, लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन या कहीं कहीं के आपके किसी लाइक किसी भी ब्रांड के क्लोथिंग वगैरह का आपको लाइक कोड वाउचर मिल सकता है, या फिर कुछ भी अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स किसी का भी वो गुडीज़ आपको मिलेंगे, या फिर कोई और भी गुडीज़ कोई भी किट्स आपको मिल सकते हैं। सो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करूँ तो BTech स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, या लाइक 2021 बैच स्टूडेंट एलिजिबल है, 2022 बैच स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर आप अगर आप फोर्थ ईयर में हो, आप 2021 बैच के हो, अगर आप पास आउट हो गया तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो। एंड आप ड्यूअल डिग्री फुल टाइम प्रोग्राम हो, आप यहाँ एलिजिबल हो। MEMTech फुल टाइम प्रोग्राम हो, आप यहाँ एलिजिबल हो। बट MEMTech स्टूडेंट 2021 पास आउट ही सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल है। जो स्टूडेंट जिनका CGPA 7 एबव है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 7 से कम CGPA है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2021 एंड 2022 पास आउट बैच के लिए। सो आप लोग यहाँ जरूर अप्लाई करें, सारे ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल कहीं से भी आप अगर आपने इंजीनियरिंग किया है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप यहाँ पर रजिस्टर करें 11 जून से पहले एंड अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें। जो सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है ऊबर कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब रोल के लिए, जिसकी लोकेशन बैंगलोर है। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पे ऊबर जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो मैं इसकी यहाँ पे आपका जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है वो
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि क्या क्या स्किल्स यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एंड मैं बता दूँ कि किसी भी एक लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको ऊप्स कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। सो या C++ जावा आपको आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, जिसमें आपका ऊप्स कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि उसके अलावा इन्होंने जो लिखा है स्किल्स जो इन्हें चाहिए, फास्ट लर्नर, स्पीड एंड क्वालिटी, ऑनरशिप, डिज़ाइन एंड बिजनेस इंसाइट, एंड एक स्टैंड आउट कलीग के लिए आपके पास अच्छा एक लाइक आपका होना चाहिए, लाइक आपका स्किल्स होना चाहिए। एंड मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कुछ डिजायर्ड स्किल्स भी है, लाइक आपको अगर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा एप्लीकेशन या सॉफ्ट सिस्टम लैंग्वेज के लिए है, तो यहाँ पे आपको लाइक प्रेफर्ड हो जाता है आपका। सो गो, पाइथन, रूबी, जावा एंड C++ है। सो बहुत सारे पॉइंट और भी है लाइक डिजायर्ड स्किल्स के लिए, आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो था मैंने वो बताया। एंड अगर आपका कहीं भी इंटर्नशिप है वगैरह, अगर आपने कभी किया हो कोई कोडिंग कंपटीशन, अगर आपने जीता हो तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो भी। यहाँ जो मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करूँ, BBTech स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 2020 बैच स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने जो यहाँ पे ब्रांचेस एलिजिबल है वो मैं बात करूँ, अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और मैथमेटिकल साइंस में अगर आपने उसके रिलेटेड फील्ड में अगर आपने BBTech किया है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो 2021 बैच। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें। तो थर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अमेजन कंपनी की तरफ से आ रही है। अमेजन ने यहाँ पे हैकाथॉन निकाला है, कोडिंग चैलेंज फॉर वुमेन, जो कि हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म पे है। ये ड्राइव सिर्फ वुमेन के लिए है। यहाँ पे आपको कैश प्राइज प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी लास्ट डेट 4 जुलाई है। सो 4 जुलाई से पहले आप लोग यहाँ अप्लाई करें। एंड मैं बता दूँ कि यहाँ जो आपका टेस्ट ड्यूरेशन होने वाला है वो 3 आवर्स का होने वाला है। 3 आवर्स में आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 कोडिंग क्वेश्चन में 1 कोडिंग क्वेश्चन आपका मैंडेटरी होने वाला है, वो अगर आप सॉल्व करते हो तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर आप 1 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। एंड अगर 2 करते हो तो आप फॉर श्योर है आपका यहाँ पे होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सिर्फ वुमेन ट्राइब के लिए है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लाइक 6 मंथ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, उससे ज़्यादा भी है तो अप्लाई कर सकते हो। सो किसी भी बैच के स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लाइक 2018 to 2021। एंड मैं आपको बता दूं कि 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने पहले ही बोला। एंड किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ वुमेंस ड्राइव है, सो सिर्फ वुमेंस ही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड इससे आपको लाइक आपको प्राइजेस मिलेंगे प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अमेजोन में। अगर आप कहीं और काम कर रहे हो, आप अमेजोन के लिए लाइक अप्लाई करके अपनी लाइक एक अच्छे कंपनी में एक अच्छे पोजीशन के लिए जॉब कर सकते हो। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें, 4 जुलाई से पहले अप्लाई करें। एंड कुछ स्टूडेंट जो अभी तक कॉग्निजेंट या कैप से नहीं अप्लाई किए है, जिसकी वीडियो मैंने रिसेंट में डाला है, सो आप प्लीज़ चैनल को चेक करें एंड वहाँ अप्लाई करें। उसकी लास्ट डेट अभी लाइक एक्सपायर नहीं हुई है, लिंक उसकी एक्टिव है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।